कि जो सरकारी तंत्र था वो बिल्कुल फेल था। इस वक्त हम लाइव है रमेश जी के साथ। तो रमेश जी, इस वक्त हम हमारे पेज फेसबुक पेज में लाइव है, आपसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सिद्धारंगज टीवी का हमारा पेज है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जिनको आपको आसान भाषा में जनता को जवाब देना है। हमारा पहला सवाल ये है कि आप इस कोरोना महामारी में आपने लोगों के लिए जितने सेवाएँ किए हैं, जितने जो भी हर हर गांव में आपने जो भी राशन वगैरह बांटे हैं, इससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ और क्या लोगों ने इसका लोग या मौखिक हो जाके डॉक्टर से बात करके हो, जिस भी प्रकार से मदद उनको दिलानी थी हमने दिलाई है। और कोई अगर ऐसा है कि जैसे होम क्वारंटाइन में है तो उनको भी हमने मेडिसिन पहुंचाई है, हमारे पास किट है। और मैं चाहूँगा कि मनोज एक किट अंदर से लेके आना, दिखा देना जरा, मैं दिखाऊँगा वो किट में क्या क्या दवाइयाँ भी हैं। और हम राशन में जैसे चावल, दाल, नमक, आटा इत्यादि जो भी ज़रूरत की सामग्री है वो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई अगर यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है तो हमारा कहना सीधे सीधे है कि आप हमें फ़ोन करिए, हम आपके घर भिजवाएंगे। तो हमने अब तक लगभग 200 परिवारों के घर भी भेजा है और अधिकांश लोग यहीं सेंटर बना रखा है हमने, इसी सेंटर से आकर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी में आप उत्तराखंड सरकार को क्या बताना चाहेंगे कि सरकार इसमें क्या कर रही है, इससे आपको कुछ क्या कोई प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, क्या है कोई दुविधा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो COVID-19 के जो नियम हैं या कोविड के दौरान जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये मेरी नज़र में, व्यक्तिगत रूप से मेरा कहना है या आम लोग भी इस बात को मानते हैं, चाहे ये हमारे यहाँ शक्ति फार्म स्वास्थ्य केंद्र से रिलेटेड हो, चाहे वो CSC सितारगंज से रिलेटेड हो, आप देख सकते हैं जाके कि कोरोना काल के दौरान कोई भी मरीज वहाँ भयभीत था इतना कि वो सरकारी अस्पताल में जाना ही नहीं चाहा। वो उसने अपने घर में रह के, होम आइसोलेशन में रह के अपना ट्रीटमेंट करा लिया और सुरक्षित भी हुआ। जो अस्पताल गया, मुझे लगता है कि 100 आदमी में से 90 आदमी तो शमशान चला गया और 10 ही आदमी आए होंगे घर। और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में गए वो पैसों से बर्बाद हो गए। तो गवर्नमेंट ने आम जनता को एकदम फ्री छोड़ दिया था कि जैसे चाहो बचो या मरो। गवर्नमेंट की व्यवस्था से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमारा आखिरी और तीसरा सवाल ये है कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि इस महामारी के टाइम राजनीति ना करके लोगों की सेवा करें, तो इन बुद्धिजीवी लोगों को आपके क्या राय देना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से? देखिए, सबसे पहला मेरा ये कहना है, जो व्यक्ति मदद कर रहा है वो फोटो ना खींचे। किसी की अगर हेल्प कर रहा है तो उसको फोटो खींच के शर्मिंदा ना करे। हमारी पूरी टीम ने यहाँ पे सैकड़ों परिवारों को मदद की है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी कोई फ़ोटो, किसी भी जिसकी भी मदद की गई है उनकी कोई फ़ोटो हमने नहीं खींची है। हमने सख्त हिदायत दे रखा था कि किसी की भी फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो खींच के उनका एक अपमान और हो जाता है। और मुझे लगता है कि वैसे हम यहाँ पर जब राशन पैक करते हैं तो हम लाइव जरूर करते हैं, इसलिए कि क्षेत्र की जनता को जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुँच के, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लाभ उठाएँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कांग्रेस प्रदेश सचिव हमारे बड़े भाई नवतेज पाल सिंह जी का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है, राशन हो चाहे दवाइयां हो। एक बार मैं वो किट मैं चाहूँगा कि दिखाएं कि इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब जो एक फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें जैसे देखिए, ये है एक कप सिरप भी है, ठीक है, और एक ये सैनिटाइज़र है, ये विटामिन सी की गोलियां हैं ये, और इसमें करीब 10 पीस मास्क हैं, जो दो नहीं 10 पूरे परिवार को। इसमें ये गैस की दवा है, इसमें ये क्या है जरा देखना था, मतलब जो ज़रूरी इस समय ज़रूरत की दवाइयां हैं, पैरासिटामोल है, हर प्रकार की लगभग दवाई है जो एक फर्स्ट एड के रूप में दी जा सकती है। लेकिन हमने ये भी आग्रह किया था सभी से कि जो भी आप दवाई इस्तेमाल करें वो डॉक्टर की सलाह से करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। तो हम लोगों ने ये किया है और धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार आप लोगों के चैनल को कि आप लोग ज़रूरत
जो जनता की ज़रूरत है उसको आप लोग हमेशा उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। दोस्तों अगर किसी को भी मुसीबत हो तो इनसे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता सकते हैं जिससे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल हो तो आपसे बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर मैंने वो सार्वजनिक रूप से पोस्ट भी किया हुआ है और फिर पुनः एक बार बता देता हूँ 9917964444 और दूसरा नंबर है मेरा 9897481812। आप किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी आप नहीं आ सकते हैं तो हम आपके लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारी टीम का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर पहुँचेगा, इतना मुझे विश्वास और भरोसा है। और जब तक ये कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये सेवा जारी रहेगी। तो दोस्तों ये नंबर आपको कमेंट में मेंशन कर दिया जाएगा, जिसको भी मुसीबत हो तो इनसे आके कॉन्टेक्ट करें और इन सुविधा का लाभ लें। जिनको भी महामारी से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पे आइए और फ्री में सेवा प्रदान करिए। तो रमेश जी आपको इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में आप लाइव आए। हम भी धन्यवाद करते हैं आप सभी का, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। जनहित के मुद्दों को आप लोग ऐसे ही उठाते रहिए जहाँ ज़रूरत है। मैं आपको आग्रह भी करूँगा कि एक बार इस हॉस्पिटल में, ये मेरी व्यक्तिगत नहीं सभी की ज़रूरत है कि यहाँ पर एक महिला डॉक्टर आ जाए और यहाँ पर कुछ बेड जो खाली पड़े हैं उनमें जो देखरेख करने के लिए डॉक्टर आ जाए, स्टाफ आ जाए। एक्सरे मशीन है यहाँ पर लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है, तो मशीनरी का उपयोग तभी संभव है जब वहाँ पर उसका संचालन करने के लिए स्टाफ हो। यहाँ पर 2-3 लोग हैं स्टाफ के, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, अब उनसे जितनी सुविधाएं हैं उस हिसाब से वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन रिफर सेंटर है ये सभी जानते ही हैं, यहाँ पे वहाँ घास उगी हुई है, वो हॉस्पिटल के सामने आप लोगों ने देखा होगा। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड, सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को Facebook पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।